तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मिस्टर मीना की तरफ से गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग मेवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं, गुइलों के इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक बता दिया था, सेम सिंह और राहब सिंह तक का मैटर आपको दिया था। और अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में जाकर के आप वीडियो देख लें और पूरा देखें वीडियो और नोट्स बना लें, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, डेट आ चुकी है। तो जल्दी से आप इसके नोट्स बनाइए और वीडियो देखिए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्त कोई भाई अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी अपना जो चैनल का लिंक भेज करके, और वो भी अपने घर बैठे अपनी तैयारी कर सकता है मेरे साथ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं हर सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करूंगा, एक बार देख लेना, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो वो आपकी मर्जी। तो चले अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि ये बप्पा राव के बाद अल्लट के बाद विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह के बाद रण सिंह, और रण सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था सेम सिंह, दूसरे का नाम था राहब सिंह। सेम सिंह ने रावल शाखा चल रही थी यहाँ पर, और राहब सिंह ने सिसोदा ग्राम स्थापित किया, और यहाँ की जागीरदारी करते थे ये लोग, राहब सिंह के वंशज, जबकि सेम सिंह के वंशज अभी भी चित्तौड़ के शासक है। तो सेम सिंह के बाद आगे क्या होता है तो वो बता देता हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए, सेम सिंह के दो पुत्र थे इसकी, यहां नहीं लिखता हूं, यहां दीजिएगा, इसके दो पुत्र थे, एक तो सामंत सिंह और एक कुमार सिंह। और दूसरा था कुमार सिंह। ये सेम सिंह के थे, यहां लिख देता हूं सेम सिंह, जो अभी देख रहे हो आप, ये यहां पर, ये जो सेम सिंह के दो बेटे थे, सामन सिंह और कुमार सिंह। तो सामन सिंह के समय जो कीतु चौहान, जो इन्होंने आक्रमण किया था, कीतु चौहान या कीर्तिपाल ने, ये जालौर के चौहान है, इन्होंने आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, और मेवाड़ पर आक्रमण करके और उस पे अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में पुनः अपनी के जो छोटा भाई था सामंत सिंह, कुमार सामंत सिंह का छोटा भाई कुमार सिंह, इस कुमार सिंह ने दोबारा से मेवाड़ को अपने अधिकार में कर लिया, दोबारा से इसने मेवाड़ को जो अपने अधिकार में कर लिया, और वापस रावल शाखा के पास आ गया, मतलब मेवाड़, यानी कि अब मेवाड़ का शासक बन जाता है कुमार सिंह। कुमार सिंह के बाद में इसका एक बेटा, कुमार सिंह के बाद शासक बनता मेवाड़ का जैत्र सिंह, जैत्र सिंह शासक बनता है, जो कुमार सिंह का पुत्र होता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1213 से 1253 तक है, जैत्र सिंह का। और इसके समय पर जो दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, इल्तुतमिश, यानी कि 1211 से 1236 तक ये दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ था। इसके बाद रजिया सुल्तान बनी थी इसकी लड़की सासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सासिका। तो दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था, और इल्तुतमिश ने 1226 से लेकर के, सॉरी 1222 से लेकर के और 1229 तक मेवाड़ पर आक्रमण किए, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिए। ये यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। तो मेवाड़ पर आक्रमण किए, लेकिन इन सभी आक्रमणों को इसने, जैत्र सिंह ने विफल कर दिया। एक ग्रंथ है, इसका नाम है जय सिंह हम्मीर मद मर्दन,
देखो ये भी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम क्वेश्चन आया था, और कि हमीर मद मर्दन ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये लिखा था जय सिंह सूरी ने लिखा था, ठीक है। ये ग्रंथ अमीर मद मर्दन, ये ग्रंथ के अनुसार, मतलब इस ग्रंथ के अनुसार जयत्र सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त किया, यानी इसको हरा दिया इल्तुतमिश को, और वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। और इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर 1222 से लेकर 1229 तक लगातार आक्रमण करे, और उन सभी आक्रमणों को जो है जयत्र सिंह के द्वारा विफल कर दिया गया। और ये जानकारी हमें मिलती है जय सिंह सूरी के ग्रंथ अमीर मद मर्दन के अनुसार, और ये क्वेश्चन भी जो है आपको बता दी पुलिस कॉन्स्टेबल में आ चुका है। अब जेतर सिंह के बाद में जो अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा तेज सिंह। ये जेतर सिंह का बेटा था तेज सिंह, और इसका शासन है 1253 से लेकर के 1273 तक, तेज सिंह का शासन काल। और ये जेतर सिंह का पुत्र था, इसका पुत्र था जेतर सिंह का, और ये बहुत पराक्रमी और वीर योद्धा शासक था, तो इसने बहुत सारी उपाधियां ली, इसने बहुत सारी उपाधियां ग्रहण की, जैसे परम भट्टारक, और इसके अलावा महाराजा धीराज, कोमा, ये जो परमेश्वर आदि उपाधियां इसने धारण की, किसने, तेज सिंह ने। और इसके समय पर बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, गयासुद्दीन बलबन, ये भी दिल्ली सल्तनत का शासन था, यानी खलजी वंश के बाद में जो है जो शासक बना था वो बलबन बना था, नासिरुद्दीन खलजी, नासिरुद्दीन महमूद के बाद 1265 से लेकर के 1287 तक बलबन का शासन पीरियड रहा था। ये वही बलबन है जिसने जो सिजदा और पायबोस प्रथा लगाई थी, वही बलबन बलबन था। और इसने जो है क्या नाम से बहुत सख्त कानून बना दिए थे। तो इस बलबन ने भी मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो इस बलबन के मेवाड़ आक्रमण को तेज सिंह ने विफल कर दिया था। इस यहां तक की बात, तो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा कि जैसे मैंने बताया था कि सेम सिंह के दो बेटे थे, अभी पहले वीडियो में बता दिया, सामन सिंह और कुमार सिंह। सामन सिंह के समय जो कीतु चौहान, जो कीर्तिपाल, जो जालौर के चौहान थे, उन्होंने मेवाड़ पर को अपने अधिकार में कर लिया था। बाद में सामन सिंह के भाई कुमार सिंह ने जो है पुनः मेवाड़ अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद सामन सिंह का लड़का जो, सॉरी, कुमार सिंह का जो लड़का था वो जयत्र सिंह शासक बना। उसका टाइम पीरियड है 1213 से 1253। इसके समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था, दिल्ली सल्तनत का जो है, क्योंकि ये 1211 में दिल्ली का शासक बना था, ठीक है। तो इसने 1222 से लेके 1229 तक दिल्ली पे आक्रमण किए, उन सभी आक्रमणों को इस जयत्र सिंह ने विफल कर दिया। इस घटना का वर्णन हमें जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। इसके बाद जयत्र सिंह की मृत्यु के बाद ये 1253 में तेज सिंह शासक बना, और तेज सिंह के समय, मतलब इसने, ये वीर प्रतापी योद्धा था, इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी। और इसके समय मेवाड़ पर बलबन का आक्रमण हुआ था, वो जो बलबन का टाइम पीरियड 1265 से 1287 है, और इस मेवाड़ पर आक्रमण को भी, बलबन के आक्रमण को भी जो है तेज सिंह ने विफल कर दिया। तेज सिंह की जो रानी थी, इसकी रानी जयतल देवी थी, जयतल देवी। इसने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम था पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, यह चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया था इस तेज सिंह की रानी जयतल देवी ने। और इसके समय एक ग्रंथ लिखा था, ये ग्रंथ भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ लिखा गया था। तो ये इसके काल की साहित्य उन्नति का प्रमाण हमें
दिखता है, कला और साहित्य की उन्नति का प्रमाण भी हमें मिलता है, यानी कि ये कला और साहित्य में भी रुचि रखता था ये शासक। अब 1273 में ये बात समझ में आ गई तेज सिंह की, ये इसकी उपाधि थी परम बटरक महाराज अधिराज परमेश्वर। इसके समय बलबन का आक्रमण हुआ मेवाड़ पर, उसको विफल कर दिया। इसकी रानी जैतल देवी थी, उसने चित्तौड़ में पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके समय श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ लिखा गया, जो तेज सिंह के समय कला और साहित्य उन्नति का प्रमाण देते हैं हमें, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। इसके बाद में जो हमारा जो अगला जो शासक आता है, तेज सिंह की मृत्यु के बाद में समर सिंह शासक बनता है, समर सिंह शासक बनता है समर सिंह, और इसका टाइम पीरियड है 1273 से लेकर के 1302 तक। ठीक है, समर सिंह, ये समर सिंह ने जीवन पर्यंत दिल्ली सल्तनत, जीवन पर्यंत इसने क्या करा, दिल्ली सल्तनत से संघर्ष किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शासक चाहते थे कि वो मेवाड़ को अपने अधिकार में कर ले, क्योंकि मेवाड़ ये एक ऐसी रियासत थी जो अधीनता स्वीकार नहीं कर रही थी। तो इनकी ये इच्छा थी कि वो जो है मेवाड़ को अपने अधिकार में कर लें। तो हालांकि इसके समय मेवाड़ पर अधिकार हुआ नहीं, और ये जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहा, और 1302 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके दो बेटे थे, तो उन बेटों का नाम था, एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण इसके दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। तो ये जो रतन सिंह था ये ज्येष्ठ पुत्र था, तो ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा अभिषेक किया जाता है। ये इसने जो चित्तौड़ पर अधिकार किया है, मेवाड़ का शासक बना, ये मेवाड़ का शासक बन गया। और ये जो कुंभकर्ण था वो यहां से चला गया नेपाल, और नेपाल में जा करके वहां पर इसने शाही राजवंश चलाया। आपको दिख रहा होगा, बोर्ड नीचे लिख रहा हूं। तो ये जो रतन सिंह, तो मेवाड़ का शासक बन गया, और दूसरा पुत्र था वो जो समर सिंह का, वो नेपाल में जाकर के उसने वहां पर शाही वंश चलाया। तो यहां तक की बात थी। तो 1302 में रतन सिंह शासक बनेगा अगला शासक, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आएगा रतन सिंह। तो रतन सिंह का जो टाइम पीरियड है 1302 से 1303 तक है, क्योंकि 1303 में आपको पता है अलाउद्दीन खलजी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया गया था, और मेवाड़ के आक्रमण के साथ ही जो ये रतन सिंह था इसका रावल शाखा का यहां पर एंड हो गया था। ठीक है, तो रतन सिंह के समय पर 1303 में अलाउद्दीन या दिल्ली सल्तनत का जो शासक था अलाउद्दीन खलजी ने आक्रमण करा, अलाउद्दीन खलजी ने आक्रमण किया। और उसके आक्रमण के हमें तीन कारण बताते हैं। अलाउद्दीन खलजी का आक्रमण हुआ था 1303 में चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी इसी टाइम होगा। तो यहां पर जो अलाउद्दीन खलजी के द्वारा आक्रमण के तीन कारण, जो पहला तो क्या है, चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व, चित्तौड़ का सामरिक एवं व्यापारिक महत्व, चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। सामरिक का मतलब तो यह है कि आज दिन तक मतलब दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक ने इसको विजित नहीं किया मेवाड़ को। और व्यापारिक का मतलब यानी कि जो भी, जैसे आप राजस्थान का आप मैप देखेंगे तो इस तरीके का मैप मिलेगा, और ये लगभग आप सब जानते होंगे, मैं ज्योग्राफी में भी बता दूंगा। तो देखो ये इधर दक्षिणी पार्ट है, तो इधर तो ये गुजरात लगा हुआ है, इधर जो यूपी लगा हुआ है, इधर पंजाब हरियाणा दिल्ली, ये इस तरीके से आपका दिखेगा राजस्थान का नक्शा। तो और जो चित्तौड़ यानी मेवाड़ जो दक्षिणी पार्ट है, यहां पर जो है ये होता था, ये स्थापित था। तो जब भी दिल्ली से सुल्तान की सेना आती थी तो इनको जो है रास्ता इधर गुजरात आक्रमण के समय, या फिर दिल्ली जाने के लिए, या मालवा के आक्रमण के लिए, तो यहां से गुजरना पड़ता था इनको। और ये जो शासक थे इनको रास्ता नहीं देते थे, और रास्ता नहीं देते थे तो उसकी वजह से जो चित्तौड़ का एक सामरिक और व्यापारिक महत्व था। तो मेन कारण तो ये है, चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। दूसरा कारण क्या है, अलाउद्दीन खलजी का महत्वाकांक्षी शासक होना। अलाउद्दीन खलजी का महत्वाकांक्षी एवं
साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी होना। अलाउद्दीन खलजी चाहता था कि मैं पूरे संसार का सिकंदर या सानी की उपाधि धारण करना चाहता था। वो सिकंदर मतलब संसार का विजेता की उपाधि धारण करना चाहता था और वो बहुत महत्वाकांक्षी था, इस वजह से ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, हमें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत ग्रंथ के अनुसार उसका कारण था पद्मिनी को प्राप्त करना। तो ये तीसरा कारण है, पद्मिनी जो अति सुंदर रानी थी इस रतन सिंह की, तो इसको प्राप्त करने के लिए पद्मिनी को प्राप्त करना। लेकिन ये कारण मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने 1540 में शेरशाह सूरी के समय पर एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत, यानी इस घटना के 200 साल बाद में, यानी कि ये घटना तो 1303 की है और उसने लिखा था 1540 में, ये उस समय शेरशाह सूरी भारत का शासक था, तो पद्मिनी को प्राप्त करना। और ये कारण था मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जायसी के अनुसार, जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार, पद्मावत के अनुसार, ठीक है। ये पद्मिनी जो बहुत सुंदर, अति सुंदर रानी थी इस रतन सिंह के पास में, जो ये श्रीलंका से विवाह करके लेके आया था, कोई घटना बताएंगे, पद्मिनी की कथा भी बताएंगे आपको। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ आक्रमण का कारण था पद्मिनी को प्राप्त करना। तो अलाउद्दीन खलजी के जो तीन कारण थे, एक तो चित्तौड़ का सामरिक एवं व्यापारिक महत्व, दूसरा अलाउद्दीन खलजी का महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, और तीसरा कारण था मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के अनुसार पद्मिनी को प्राप्त करना। तो ये तीन कारण थे। इस कारणों की वजह से अलाउद्दीन खलजी ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि ये राणा रतन सिंह जो कि इसने केसरिया, राजपूतों ने जो केसरिया धारण करके युद्ध किया, और जो रानी थी उसने 1600 राजपूत स्त्रियों के साथ में, 1600 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर कर दिया, राजपूत स्त्रियों के साथ में जौहर किया, जौहर। और जब केसरिया मतलब राजपूत जब मारे जाते युद्ध में लड़ते हुए, तो उसे केसरिया कहा जाता, और जब रानी जो अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती है अपने सतीत्व के रक्षार्थ, उसे बोलते हैं जोहर। जब दोनों मतलब जो केसरिया मतलब राजपूत भी मर जाए और जोहर हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम साका, साका। तो चित्तौड़ का जो प्रथम साका हुआ था वो 1303 में हुआ था, जब जोहर और केसरिया दोनों राजपूत द्वारा हो जाए, मतलब राजपूत युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाए और उनकी रानियां अपने आप को अग्नि में समर्पित करके जोहर कर लेती है, उस घटना को हम साका बोलते हैं। और ये पहली बार चित्तौड़ में हुआ था 1303 में। तो और चित्तौड़ का जो प्रथम साका है वो भी है 1303 का। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है पद्मिनी की कथा। तो ये मैं दोबारा बता देता हूं कि ये जो समर सिंह के जो दो बेटे थे, एक रतन सिंह और एक कुंभकर्ण, तो रतन सिंह ज्येष्ठ पुत्र था, ये चित्तौड़ का शासक बना, और छोटा पुत्र कुंभकर्ण था, वो नेपाल जाकर के वहां पर उसने शाही राजवंश की स्थापना करी। ये शासक बना 1302 में समर सिंह की मृत्यु के बाद। समर सिंह ने कोई खास काम नहीं किया, उसने आजीवन दिल्ली सल्तनत संघर्ष किया। ये शासक बनने के बाद में अलाउद्दीन खलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, अलाउद्दीन खलजी का जो टाइम पीरियड है 1296 से लेकर के 1316 तक ये दिल्ली का शासक रहा था अलाउद्दीन खलजी। तो अलाउद्दीन खलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था, और अलाउद्दीन खलजी के मेवाड़ के आक्रमण के तीन कारण थे। एक कारण तो था सामरिक और व्यापारिक महत्व, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत के शासक यहाँ से होके गुजरना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, और ये सब ये नहीं करने देते थे चित्तौड़ वाले, तो इनका ये जीतना बड़ा आवश्यक था, मार्ग लेना इनसे। दूसरा अलाउद्दीन खलजी का महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, क्योंकि वो सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण कर रखी की योजना थी उसके, और वो विश्व विजेता बनना चाहता था, तो इस वजह से वो अत्यंत महत्वाकांक्षी आदमी था और साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहता था, ये भी कारण था दूसरे। तीसरा कारण था मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथ के अनुसार वो जो रतन सिंह की जो सुंदर रानी थी पद्मिनी, उसको प्राप्त करने की लालसा। ये तीनों कारण थे। इन तीनों कारणों के अनुसार अलाउद्दीन खलजी ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और 26 अगस्त मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि अगस्त 1303 में जो है अलाउद्दीन का यहाँ पर जो है 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था चित्तौड़ पर। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि यहां पर इस युद्ध युद्ध का आंखों देखा वर्णन, वो जो अलाउद्दीन खलजी का एक दरबारी कवि था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, तो इस अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था खजाइन उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह, उल
फूतू है, या तारीख अलाई भी बोलते हैं इसे, फूतू है, ऐसे हल्का है ये, खजाइन उल फूतू है या तारीख अलाई, ये यहां लिख सकते हैं तारीख अलाई। तो ये खुद अलाउद्दीन खलजी के युद्ध में, खुद अमीर खुसरो भी युद्ध में लड़ रहा था, और उसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन देखा था चित्तौड़ का, और उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है खजाइन उल फूतू पुस्तक में लिखा था, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। और वो जो अलाउद्दीन खलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, इसे तोताए हिंद बोलते, इसने तबला सितार वाद्य यंत्र का जो आविष्कार करने वाला यही था अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। और अनंत मतलब अलाउद्दीन खलजी ने जो युद्ध जीत लिया, और 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खलजी के अधिकार में जो है चित्तौड़, उसने मेवाड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, चित्तौड़ का किला अपने अधिकार में कर लिया। अधिकार में करने के बाद में क्या किया कि अलाउद्दीन खलजी ने जो है वो किला अपने बड़े पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्र या बड़े पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, खिजर खां को सौंप दिया, और खिजर खां को सौंप करके इसका नाम पाड़ दिया खिजराबाद। खिजराबाद, देखो ये दो चार क्वेश्चन आते हैं, जालौर का नाम भी, जालौर को भी जीता था अलाउद्दीन खलजी 1311 में, तब तो उसका नाम पड़ा था जलालाबाद, जलालाबाद, इस तरीके से याद रखना, ये जालौर का है, इसमें कंफ्यूज मत होता ना, ये 1311 में जालौर विजय थी जो कन्नड़ दे प्रबंध था ना उसके अनुसार। तो वो मैं बाद में बता दूंगा जब चौहान पढ़ेंगे अजमेर के रणथंभौर के, वो तो आप टेंशन नहीं ले। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया खिजराबाद है, जबकि जालौर का नाम बदल के क्या रखा गया था जलालाबाद, ये अभी से बता देता हूँ। यहां तक की घटना आपको आ गई है तो ये समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम पद्मिनी की कथा, ये मैं मिटा रहा हूं, पद्मिनी कि कथा। तो देखो ये कथा ही है, मैंने जैसा कि बताया था कि इस कथा का वर्णन 1540 में एक ग्रंथ लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जायसी के द्वारा, जायस गांव का, इस वजह से जायसी बोलते हैं। और ये शेरशाह सूरी के दरबार में के समय, शेरशाह सूरी के समय ये लिखी गई थी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, शेरशाह सूरी के समय इस ग्रंथ की रचना करी थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ रचित किया था पद्मावत, इसकी फिल्म भी बन चुकी है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा शेरशाह सूरी के काल में एक ग्रंथ लिखा गया था पद्मावत, और पद्मावत के अनुसार उसने एक पद्मिनी की कथा बताई। वो कथा ये थी कि सिंगल द्वीप, यानी सिंगल द्वीप पड़ता है श्रीलंका, सिंगल द्वीप में एक राजा था गंदर हुसैन, गंदर हुसैन, और उसकी रानी थी चंपावती, रानी चंपावती। तो गंधर्व सेन और रानी चंपावती की एक रानी थी, उसका नाम था पद्मनी, पद्मनी, और ये बहुत ही सुंदर बताया, अति सुंदरी बताई। और इस पद्मनी के पास में जो एक बताते हैं कि इसके पास एक तोता था, पद्मनी के पास में एक हीरामन जाति, जो गागरो ना, हमारे जो झालावाड़ जिले में गागरो ना, वहां पे हीरामन जाति के तोते मिलते थे, जो मानव जाति जैसे हम मनुष्य बोलते हैं वैसे वो बहु नकल कर देते हैं, वैसे कैसे वो बोल देता है। तो वो इस पद्मनी के पास में एक तोता था, और उस तोता का नाम था हीरामन, हीरामन तोता था। तो ये हीरामन तोता ये पाल रखा था पद्मनी ने। तो एक बार क्या हुआ कि ये तोता कहीं उड़ गया, और उड़ने के बाद में वो एक व्याघ्र, यानी व्याघ्र मतलब शिकारी के हाथ लग गया। और उस शिकारी ने क्या करा, उस शिकारी से किसी ब्राह्मण ने उस तोते को खरीद लिया, एक ब्राह्मण ने उस तोते को खरीद लिया, और उस ब्राह्मण के द्वारा जो वो तोता रतन सिंह को दे दिया गया, जो कि चित्तौड़ का शासक था। तो रतन सिंह को दे दिया, तो रतन सिंह इनसे बात करता था तोते से, बिल्कुल अरे तोते क्या कर रहा, सब कुछ वो बात बताता था, मतलब बिल्कुल जो भी वो पूछता था उस हिसाब से। तो एक बार क्या हुआ कि देखिए मलिक मोहम्मद, देखो ये सारा मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो रतन, एक बार हुआ क्या कि रतन सिंह के ऑलरेडी पहले से भी रानियां थी उसके, तो उसके एक रानी थी उसका नाम था नागमती, नागमती, ये कथा सुनाऊंगा मैं थोड़ी सी, नागमती। तो ये भी बहुत सुंदर थी, नागमती भी अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझती थी। तो ये जो तोता था, तो एक बार रतन सिंह नागमती से बात कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, और उसका हार देख रहा था। और वो जो रानी जो केस में, यानी कि ये नागमती, ये अब केस में जो है वो अपने सामने जो दर्पण में अपने आप को निहार रही थी, और तोते से बोला अरे तोते देखो मैं कितनी सुंदर हूं। तो तोते ने जो ये हीरामन तोता था इसने कहा रानी से, इस नागमती से, कि अरे नागमती महारानी जी, जिस समुद्र में हंस आया ही ना हो वहां पर बगुला अपने आप को ही हंस बताता है।
ये बात सुन लिया इसने रतन सिंह ने कि अरे ऐसी क्या बात है यार, ये तो बहुत सुंदर है। फिर भी इस बात से मतलब जैसे सुना तो उसके हाथ में उस रानी का एक हार था, मतलब मोतियों का, तो वो हार छिटक के नीचे गिर जाता है और जैसे वो गिरता है तो वो हार की जिद करने लग जाती है नागमती कि भाई मेरा जो मोतियों का हार लेके आओ, और मोती तो यहाँ मिलते भी नहीं क्योंकि वो तो समुद्र में मिलेंगे। तो इस तरीके से रतन सिंह ने सोचा कि मोती वो समुद्र में जाकर के उसके लिए मोती लेके आएगा। और दूसरी बात, वो तोता उसको बता रहा है, तोता उसे बताता है कि महाराज आपके लायक तो जो रानी मेरे पास है और आप मेरे साथ चलो। तो इस प्रकार ये जो तोता था, ये तोता इस रतन सिंह को लेकर के, यानी रतन सिंह इसके साथ साथ इसकी बात में आकर के, और ये चला जाता है सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका में पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद में काफी दिन रहता है और वहां शिकार वगैरह करता है, पद्मनी से उसकी मुलाकात होती है, तो पद्मनी को भी ये पसंद आ जाते हैं रतन सिंह, और रतन सिंह को भी पद्मनी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो वो वहां पर इनके माता पिता इनसे विवाह कर लेते हैं, और विवाह करने के बाद ये लोग चित्तौड़ में आ जाते हैं। चित्तौड़ में आकर के अब एक आदमी था रतन सिंह का चित्तौड़ दरबार में, राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण था जो तांत्रिक ब्राह्मण था, एक काला जादू जानता था, मतलब एक बांसुरी प्लेयर था, मतलब किसी को भी सम्मोहित कर सकता था, सम्मोहन मतलब हिप्नोटिज्म में वो प्रक्रिया थी इसके पास में, खतरनाक तांत्रिक था और बहुत सिद्ध पुरुष था मतलब। तो ये राजगुरु का पद था इसके पास में, चित्तौड़ का राजगुरु था ये, कौन? राघव चेतन नामक एक तांत्रिक, ये जो राघव चेतन जो तांत्रिक ब्राह्मण था ये चित्तौड़ का राजगुरु था। तो वो विवाह करके लेके आए रतन सिंह पद्मनी को, तो वो इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए राघव चेतन के पास। जैसे राघव चेतन ने पद्मनी को देखा तो राघव चेतन का जी उसकी तरफ पद्मनी की ओर आकर्षित हो गया कि ये तो काश मेरी रानी होती, मतलब उसकी नियत में कुल मिलाकर के मतलब पद्मनी को प्राप्त करने की अभिलाषा प्राप्त होने लगी कि भाई ये मुझे मिल जाए। तो वो ले तो नहीं सकता था, लेकिन क्या होता कि उनको पद्मनी के जो उन दोनों राजा रानी और इनको मतलब एक बार क्या है कि वो इस तरीके से उसकी जो शक सत्य में बदल गया, वो उनको देखता था जो उनका निजी पलते निजी लम्हे उन राजा रानी के, तो उनको देखता हुआ पकड़ा गया। और बाद में फिर रतन सिंह ने ऐसे देश निकाला दे दिया राघव चेतन तांत्रिक को, तब इसने जो है श्राप दे दिया बहुत भयंकर तरीके का कि जा के तेरा कोई वंश भी नहीं बचेगा। और ऐसा ही हुआ, आपको पता है कि 1303 में उसके आक्रमण के साथ ही जो ये रावल शाखा चल रही थी हमने जैसा पढ़ा था, तो रावल शाखा का दी एंड हो गया, और ये राघव चेतन अलाउद्दीन खलजी के पास चला गया था और उसकी सेना से जा मिला था। तो ये घटना हो गई पद्मनी की कथा। बाद में क्या हुआ कि इस राघव चेतन ने अलाउद्दीन के पास जाकर के अलाउद्दीन को पद्मनी की सुंदरता के बारे में बताता है कि महाराज वहां पर ऐसी रानी है जो आप देखते ही रह जाएंगे, संसार की सबसे सुंदर वस्तु लाया हूं आपके लिए, और ये बहुत गजब की बांसुरी बजाता था। तो अलाउद्दीन ने इसे कहा कि अगर झूठ बोल रहा होगा तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं जो है सही बोल रहा हूं, आप मेरे साथ चलो। तो एक बार क्या है कि वो मेहमान बनकर के और रतन सिंह के घर पे आते हैं, चित्तौड़ में आते हैं। तो हमारे भारतीय लोग वो उन्होंने क्या करा कि हम तो अतिथि देवो भवो का संस्कार है, तो उन्होंने कहा कि ये तो देवता है और इनकी सेवा करो ये वो। और वो जो अलाउद्दीन था वो जो अलाउद्दीन वो मेहमान बन के वहां आ रखा था, भाई हम जो चित्तौड़ घूमने आए, तो ये चाह रहा था कि वो अलाउद्दीन उसको अपनी आंखों से देख ले। तो ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खलजी ने रानी का जो अक्ष, उसकी जो प्रतिबिंब, जब जो वो पानी लेने जा रही थी, पानी जो आप देखेंगे चित्तौड़ के वहां पर पानी के बहुत बड़े बड़े आज भी बने हुए हैं, तो बिल्कुल पानी के अंदर हमारी ऐसे कैसे इमेज दिखाई देती है। तो उसने पद्मिनी का जो है केवल पानी में उसकी इमेज देखी थी, तो उसने जैसे ही देखा तो उसका जो उसने जितना सोचा नहीं था उससे भी कहीं हजारों गुना वो पद्मिनी इतनी सुंदर थी मतलब। तो उसके बाद उसकी लालसा और ज्यादा बढ़ गई कि ये रानी तो जो है उसकी हरम में जाए। हरम 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 का मतलब होता है वेश्याखाना। तो उससे कहा कि ये रानी जो है उसके पास उसको दे दी जाए, अन्यथा वो आक्रमण करेगा। मतलब इस तरह कैसे, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कहा, पहले अलाउद्दीन खलजी वहां देख जाता है और वो जो है उसने विश्वासघात करता है। जब वो रतन सिंह अलाउद्दीन खलजी को छोड़ने बाहर जाते हैं, किले की बाहर तक पहुंचाने जाते हैं, तो उस रतन सिंह को अलाउद्दीन कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद में फिर जब पता चलता है सेनापति को कि मैं महाराज को उसने जो कैद कर लिया, हालांकि पद्मिनी ने पहले से ही कह दिया था राजा को कि महाराज इस ये आदमी ठीक नहीं है और आप बिना अस्त्र शस्त्र के इसके साथ मत जाइए, लेकिन रतन सिंह ने एक नहीं माना, उसने कहा कि नहीं ये तो अतिथि देवो भव।
इस तरीके से ये घटना होती है, रतन सिंह को कैद कर लेते हैं, फिर बाद में वो डिमांड करने लगा कि पद्मिनी को लेके आओ। तो रतन सिंह के जो सेनापति था, देखो ये पद्मिनी के जो गोरा और बादल नाम का जो दो बादल, ये जो पद्मिनी के भाई और सेनापति थे, भाई और बती मतलब चाचा गोरा और बादल थे, इनकी सूझबूझ और इसका जो सेनापति था, उन्होंने क्या करा कि पद्मिनी को पालकी मतलब इसकी जो 1600 रानियां थी पद्मिनी के, तो 1600 रानियों 1600 पालकियों में बैठ करके सैनिक गए पद्मिनी की वेश धारण करके कि भाई यहाँ पद्मिनी आपसे मिलने आ रही है और आप हथियार रख दो। और उसमें जबकि जो पालकियों में जो रानियों की जगह वहां पर राजपूत बैठे थे स्त्रियों के वेश में, और जैसे वहां गए खेमे में डेरे में अलाउद्दीन खिलजी के, तो वहां पे घमासान युद्ध छिड़ गया और राजपूतों ने केसरिया किया, और इधर राजपूत 17 रानियों ने जो है 1600 रानियों के साथ में अपने आप को अग्नि में दहन कर दिया, और ये जौहर की घटना घटी। और उधर राजपूत युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, और इसे ही हम चित्तौड़ का प्रथम साका बोलते हैं, जो 1303 में घटित हुआ। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी को जो चित्तौड़ का किला मिल गया, और बाद में उसने चित्तौड़ का किला अपने बेटे के नाम पर, खिजर खा के नाम पर, उसका नाम कर दिया खिजराबाद, और खिजर खा को उस किले का जो प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो ये बात तो हुई पद्मनी की कथा की और रतन सिंह तक की। तो रतन सिंह के साथ ही जो रावल शाखा थी, रावल शाखा वो उसका क्या हो गया, एंड हो गया, वो खत्म हो गई रावल शाखा। अब आगे आएगा सिसोदिया शाखा, तो सिसोदिया शाखा का कैसे आएगा तो वो बता देता हूं मैं आपको, इनको मैं मिटा देता हूं। एक बार आप एक बार मैं चाहो तो रिपीट कर सकता हूं, यदि किसी बंदे को मेरी आवाज सही साफ से सुनाई नहीं दे रही, कोशिश कर रहा हूं मैं साफ बोलने की, क्योंकि मेरे पास छोटा बोर्ड है भैया, और प्लीज यार सपोर्ट करना, आपका भाई मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना प्लीज, ताकि मतलब अपने को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि भाई पद्मिनी की जो कथा थी वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा दी गई अपने ग्रंथ पद्मावत में, और पद्मावत की रचना 1540 में शेरशाह सूरी के समय की गई थी, मतलब इसके 200 साल बाद में। और इससे मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया अपने ग्रंथ पद्मावत में कि भाई सिंगल द्वीप में एक राजा था गंधर्व सेन, और उसकी रानी चंपावती, इन दोनों की एक पुत्री हुई, इकलौती संतान थी, उसका नाम था पद्मनी। इस पद्मनी के जो एक तोता था हीरामन, तो वो हीरामन तोता एक बार गलती से उड़ गया, कहीं दिशा भटक गया, और वो उड़ करके एक व्याघ्र के हाथों लग गया, शिकारी के हाथों। उस व्याघ्र ने उस तोते को ब्राह्मण को भेज दिया, और एक ब्राह्मण ने उस तोते को जो है रतन सिंह को भेज दिया। इस तोते की ये खासियत होती है, हीरामन जाति के जो तोते होते हैं, ऐसा कहते हैं कि आज भी वो मानव की हूबहू नकल निकालते हैं। तो वो हीरामन जो तोता था वो बोलता था, मानव की नकल करता था। तो एक बार क्या हुआ कि जो रतन सिंह, और पहले से उसकी एक रानी बहुत सुंदर रानी थी नागमती, तो नागमती जो है अपने आप को बहुत ही स्मार्ट मानती थी, तो वो तोते से बातें कर रही थी कि भाई मेरे से सुंदर और कोई है क्या, इस तरीके से। तो उसने कहा कि जिस समुद्र में हंस आया ही नहीं, वो वहां पर बगुला अपने आप को खुद को हंस बताता है, इस तरीके से। ये जब बात रतन सिंह ने सुनी तो उसके साथ वो सिंगल द्वीप जाता है, और दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में वो जो है चित्तौड़ आ जाते हैं, चित्तौड़ में क्या है कि उनके, तो दोस्तों मैं बता रहा था पद्मिनी की घटना का वर्णन, तो वो आपने अभी देख ही लिया कि वो दोनों चित्तौड़ आते हैं, और राघव चेतन, जो राघव चेतन उनका जो एक तांत्रिक था और ये राजगुरु था, तो राजगुरु से वो आशीर्वाद लेने के लिए जब रतन सिंह और पद्मिनी दोनों आते हैं, तो जब पद्मिनी के लावण्य को उसने देखा, राघव चेतन ने, ये बहुत बड़ा बांसुरी प्लेयर था, किसी को भी सम्मोहित कर सकता था मतलब, और बहुत ही तांत्रिक आदमी था ये, तो ये जब उसके लावण्य को देखता है पद्मिनी को, तो ये खुद मोहित हो जाता है और उसे पाने के लिए प्रयास करने लगता है, ऐसे छुप के देखता है कि क्या कर रही है, किधर जा रही है। तो एक दिन वो पकड़ा जाता है, और उसका मतलब जो चरित्र खुद रतन सिंह देख लेते हैं, वो देखने के बाद रतन सिंह को फिर इसे जो देश निकाला दे देते हैं, और जब देश निकाला दिया इसको, तो इसने बदले की भावना ली, और बदले की भावना के अनुसार इसने क्या करा, अलाउद्दीन के पास चला जाता है ये, और अलाउद्दीन के पास जाकर के उसने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है कि महाराज संसार की सबसे सुंदर चीज मेरे पास है। तो वो अलाउद्दीन जब उनके मेहमान बन करके एक दिन चित्तौड़ का किला घूमने के बहाने चित्तौड़ में आता है, और पद्मिनी के अक्ष को यानी उसके प्रतिबिंब को, जल प्रतिबिंब देखता है, तो उसे जो है वो जो राघव चेतन ने कहा था उसे कई हजार गुना ज्यादा वो पद्मिनी सुंदर थी, और इसी के साथ उसे पाने की जो इच्छा प्रकट करी। तो इस वजह से मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार ये आक्रमण किया इसने,
और यहाँ पर जो इस अलाउद्दीन खलजी के साथ युद्ध में जो लड़ने वाला इतिहासकार था वो अमीर खुसरो था, और अमीर खुसरो ने जो है एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था खजाइन उल फुतुह है, खजाइन उल फुतुह है, फुतुह है, खजाइन उल फुतुह ये ग्रंथ लिखा था। इसे तारीख अलाई भी बोलते हैं, तारीख अलाई, ठीक है यहां तक। तो ये अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था, इसे तोताए हिंद बोलते हैं, इसने सितार तबला और बांसुरी ये सारे वाद्य यंत्र बनाने वाला यही था, इसे तोताए हिंद उपनाम है इसका, अमीर खुसरो। इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था अमीर खुसरो ने। तो ये खजाइन उल फुतुह में युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो करता है, और इसी युद्ध के अनुसार 1303 में, मतलब 26 मतलब राजपूत 1303 में 26 अगस्त 1303 को जो है अलाउद्दीन खलजी जो है युद्ध जीत लेता है। राजपूत लड़ते हुए केसरिया धारण करके लड़ते हुए मारे जाते हैं, और 1600 राजपूत सतरानियों के साथ में रानी पद्मिनी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है अपने सतीत्व के रक्षार्थ। इसे जौहर बोलते हैं। तो जौहर और इधर जो जो केसरिया किया राजपूतों ने, यानी अपना बलिदान दे दिया युद्ध में लड़ते हुए, मारे गए राजपूत भी मर गए और उधर स्त्रियों ने जौहर कर लिया, तो दोनों घटना जब एक साथ होती है उसे साका बोला जाता है। इस प्रकार 1303 में जो चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ, और इस आक्रमण के साथ ही जो चित्तौड़ का जो रतन सिंह की जो रावल साका थी, ये रावल साका यहां से समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ तो उसका वर्णन मैं बता रहा हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, पूरा देखें, अन्यथा मेरी बात समझ में आएगी नहीं। तो ये बात तो हुई पद्मिनी की घटना का वर्णन कि भाई किस तरीके से वो जो है बताया गया था। तो देखो अब आगे बनेगा शासक, वो बनेगा हमीर, अमीर शासक बनेगा ये, वैसे सिसोदा गांव अरि सिंह, ये अरि सिंह का बेटा था, अरि सिंह का पुत्र था, और ये जो सिसोदा गांव का जागीरदार था अरि सिंह, और इसका पुत्र था हमीर, और इसका टाइम पीरियड है 1326 से लेकर के 1364 तक। ये मेवाड़ का महाराजा रहा हमीर सिंह, हमीर यानी कि ये राणा अमीर, ये राणा साका के। अब देखो हुआ घटना क्या, राणा या सिसोदिया साका कैसे आई, तो आपको बता दें कि जो मतलब ये आपको ये बता दें कि जब रतन सिंह तो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, और उसके बाद अलाउद्दीन खलजी ने क्या करा, अलाउद्दीन खलजी ने ये जो किला था वो अपने बड़े पुत्र खिजर खा के नाम पर इसका नाम पाड़ दिया, खिजराबाद, खिजराबाद पाड़ दिया, और इस किले को भी किसका दे दिया, खिजरका को सौंप दिया। लेकिन समय के साथ बाद में क्योंकि ये दिल्ली वगैरह जाते रहते थे, तो इन्होंने क्या करा, चौहान शासक था जालौर का, मालदेव सोनग्रा चौहान, तो ये मालदेव सोनग्रा जो चौहान था, तो इसको ये अलाउद्दीन खलजी द्वारा यहाँ का मतलब चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं, चित्तौड़ का प्रशासक। अभी पहले की घटना बता रहा हूं, मतलब उस अलाउद्दीन के बाद यानी रतन सिंह के बाद क्या घटित हुआ। तो अलाउद्दीन ने खिजरका को किला सौंप दिया, और उसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया, खिजराबाद। इसके बाद मालदेव सोनग्रा चौहान को यहाँ चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया इन खलजियों ने। तो मतलब जो तारीख फरिश्ता, मतलब मोहम्मद बिन खरी जो फरिश्ता था, उसने तारीख फरिश्ता लिखा था, तो ये किताब तारीख फरिश्ता, फरिश्ता इस तारीख फरिश्ता में बताया गया कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि स्थानीय लोगों ने जो ये यहाँ का जो मालदेव जो चौहान थे इनको यहाँ से मार दिया, इनकी हत्या कर दी गई, भगा दिया गया। तो बाद में क्या हुआ कि चित्तौड़ का जो प्रशासक बनाया गया वो हमीर को बनाया गया, और ये जो है सिसोदा गांव का जागीरदार था, सिसोदा, सिसोदा गांव का मतलब जागीरदार अमर अरि सिंह का बेटा था, तो हमीर को सौंपा गया। तो हमीर ने क्या करा, ये इसको जिम्मेदारी सौंपी गई बलबन के समय पर, बलबन के समय पर ये जो मतलब बलबन का टाइम पीरियड 1265 से लेकर के 1287 तक है। तो बलबन के समय यानी कि चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया था हमीर को, और हमीर ने जो है इस दिल्ली सल्तनत की सेनाओं पर आक्रमण करके चित्तौड़ को एक स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार में ले लिया, और तभी से मतलब इस वंश के जो राजा थे वो अपने आप को वंश बताते हैं सिसोदिया, सिसोदा गांव के होने की वजह से इसका नाम रखा सिसोदिया, सिसोदिया। और इस वंश के जो राजा अपने नाम के आगे लगाने लग गए महाराणा, तो आपके आगे से आएगा महाराणा लाखा, महाराणा
कुंभा, महाराणा प्रताप, इस तरीके से। तो इस वंश के राजा अपने नाम के आगे महाराणा लगाने लगे और अपने बाप के वंश को बताने लगे सिसोदिया। यहां तक की बात हो गई। अब ये जो इसके बाद देखते हैं क्या, इसको देखो, इस अमीर जो, इसको मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं, मेवाड़ का उद्धारक, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं, मेवाड़ का उद्धार करने वाला हमीर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो इसकी रचना लगभग 1460 ईस्वी में हुई थी, इसमें हमीर के लिए विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, पंचानन की संज्ञा दी गई हमीर को, विषम घाटी पंचानन अर्थात मतलब विकट आक्रमणों में सिंह के समान, इसका मतलब होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान हमीर के लिए कहा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इसके अलावा हमीर ने एक चित्तौड़ में किला बनाया, वो मंदिर बनाया था, उसका नाम था अन्नपूर्णा माता का मंदिर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, माता का मंदिर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर। तो यह बात थी। तो देखो यह घटना बता देता हूं मैं कि रतन सिंह के बाद, रतन जो रावल रतन सिंह, तो 1303 में युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, और राजपूत सत्रानियों ने 1600 रानियों के साथ ही जोहर कर लेते हैं, साका हो जाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी खिजरका को किला सौंप देता है और उसका नाम बदल के खिजराबाद रख देता है, खिजराबाद। तो खिजराबाद रख दिया समय के साथ में, मतलब क्योंकि देखो ये दिल्ली तक प्रशासन करना बहुत संभव नहीं है कि दिल्ली का प्रशासन वहां बैठा बैठा आदमी यहाँ प्रशासन चला ले। तो उन्होंने क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब बाद में, मतलब जो इसका अलाउद्दीन का बेटा था, वो उन्होंने क्या करा कि इस समय के साथ यहाँ का प्रशासक बना दिया सोनग्रह चौहानों को, जो जालौर का एक मालदेव सोनग्रह चौहान था उसको प्रशासक बना दिया। इसके बाद क्या हुआ कि तारिक फरिश्ता, जो मोहम्मद तारिक फरिश्ता, जो तारिक फरिश्ता किताब है, उस तारिक फरिश्ता किताब में बताया गया कि वहां के जो लोगों ने उस प्रशासक को भगा दिया वहां से, हत्या कर दी उसकी। और जब ऐसा कर दिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा, तो फिर बलबन के समय, मतलब यानी 1300 बलबन के समय, 1365 से 1387 के आसपास यहाँ पर उसका जो प्रशासक बनाया गया वो हमीर को बनाया गया। वो हमीर कौन था? सिसोदा गांव के जागीरदार हरि सिंह का बेटा था, यहाँ का जागीरदार था। तो हमीर ने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत की जो सेनाओं पर ही आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया, अधिकार कर लिया। इसी तभी से मतलब हमीर यह बहुत बड़ा प्रतापी काम करा, चित्तौड़ मेवाड़ का एक गौरवपूर्ण काम किया। तभी से यहाँ के जो महाराणा, मतलब अपने नाम के आगे महाराणा लगाते हैं और अपने आप के वंश क्या बताते हैं, वो सिसोदिया, क्योंकि ये सिसोदा गांव से जो है उत्पन्न माने जाते हैं, यहाँ के जागीरदार थे मूल रूप से। इसके बाद देखो अमीर का एक उपनाम है जिसे बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धार करने वाला। इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो इसकी रचना 1460 ईस्वी में हुई थी, उसमें इसे अमीर के लिए कहा गया विषम घाटी पंचानन, जिसका मतलब होता है विकट विषम पूर्ण समय में सिंह के समान, इसका मतलब होता है विषम घाटी पंचानन का। और इसके अलावा जो अमीर ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम था अन्नपूर्णा माता का मंदिर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई हमीर की। अब आगे चलते हैं, हमीर के बाद में कौन बनेगा? अब हमीर के बाद में देखो राणा सेत्र सिंह शासक बनेगा, हमीर का बेटा था राणा सेत्र सिंह, हमीर का बेटा था राणा सेत्र सिंह, सेत्र सिंह यानी कि हमीर, अमीर का पुत्र था सेत्र सिंह। तो सेत्र सिंह का जो टाइम है वो 1364 से लेकर के और 1382 तक है। इसका कोई खास रोल नहीं है, इसने कोई खास काम नहीं किया, इसने साम्राज्य चलाया जैसे तैसे, मतलब अक्षुण बनाए रखा इसने, इसका कोई, इसके बाद में इसका जो बेटा हुआ वो राणा लक्ष सिंह हुआ, लक्ष सिंह, लक्ष सिंह या लाखा, राणा लाखा, लक्ष सिंह या राणा लाखा हुआ। इसका टाइम 1382 से लेकर के और 1421 तक, 1421 तक। सेत्र सिंह का पुत्र हुआ लक्ष सिंह या लाखा भी बोलते हैं इसे, राणा लाखा। तो ये बना मेवाड़ का राजा। अब लक्ष सिंह, ये जो सेत्र सिंह का बेटा था लक्ष सिंह, अब इसने क्या, इसके समय पर क्या हुआ? देखो इसके दरबार में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये जोटिंग भट्ट तथा धनेश्वर, ये दो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान इसके दरबार में सुशोभित होते थे।
जोटिंग भट्ट और धनेश्वर, ये याद रख लेना, लक्ष्य सिंह के समय। इसके समय पर जावर की खान, जो जावर जावर में जो कौन सी चांदी की खान जो है जावर में सबसे ज्यादा, जहां पे चांदी की खान, चांदी के साथ शीशा भी निकलता, तो शीशा जो शीशा और जो चांदी जस्ता है ना, ये उदयपुर जिले में इसकी चांदी की खान है। तो जावर की खान यानी चांदी की जो खान थी जावर में, उसकी खोज हुई थी। उसके समय बहुत बड़े निर्माण काम हुए, क्योंकि चांदी अमूल्य बहुमूल्य पदार्थ था। तो मतलब आर्थिक उन्नति हुई इसके समय पर। और इसके समय पर देखिए यहां पर क्या हुआ कि इसके समय पर एक क्वेश्चन आता है, इसके समय पर एक बंजारे ने जो एक झील बनाई थी, बंजारे का नाम था पिच्छू, पिच्छू पिच्छू बंजारे ने एक झील बनाई थी, उसका नाम था पिछोला झील। जो पिछोला झील पड़ती है उदयपुर में, ये इस झील का निर्माण लगभग 1362 ईस्वी में करवाया था, 1362 ईस्वी में या 14वीं शताब्दी आ जाएगी, ये कर देना 1362 ईस्वी में 14वीं शताब्दी में, एक इसके समय यानी राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया, उसके बेल की स्मृति में, उसके बेल की स्मृति में वहां पर एक झील बनाई गई। तो उस वजह से पिच्छू के नाम पर इस झील का नाम पड़ा पिछोला, पिछोला। अब इसमें बाद में इस पिछोला झील के अंदर दो बहुत बड़े मतलब सुंदर महल है, जग मंदिर और जग निवास महल। तो महाराणा जगत सिंह ने बाद में, तो यहां पर लिख नहीं रहा, इसे मिटा देता हूं क्षेत्र सिंह को। तो 1746 ईस्वी में जो महाराणा जगत सिंह हुए, महाराणा जगत सिंह ने इस झील के अंदर, जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में क्या करा, जग मंदिर और जग निवास, जग मंदिर और जग निवास दो सुंदर महल बना दिए, जग मंदिर और जग निवास। 1746 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह, जो आगे कालांतर में जो शासक बनेंगे मेवाड़ के, महाराणा जगत सिंह, ठीक है, तो वो महाराणा जगत सिंह के द्वारा उस पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास महल बना दिए। और आपको बता दें कि ये जो जगनिवास है, जब 1623 में खुर्रम, 1623 में खुर्रम मतलब साजा, तो जब साजा ने अपने पिता, साजा का मतलब होता खुर्रम, खुर्रम खुर्रम का मतलब खुर्रम, खुर्रम जो बचपन का नाम था और वो बादशाह बना था, उसका नाम पड़ा साजा, जो मतलब जहांगीर का बेटा था। तो जब खुर्रम या साजा ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया था, और वो विद्रोह हुआ था 1623 ईस्वी में, जब विद्रोह हुआ था तब शाहजहां ने जो है इस जगनिवास महल में शरण ली थी, और इस जगनिवास और जग मंदिर का निर्माण 1746 ईस्वी में जगत सिंह के द्वारा किया, महाराणा जगत सिंह के द्वारा। और ये जो पिछोला झील थी वो मतलब बनाई गई थी, मतलब एक पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा, पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा 14वीं शताब्दी में या 1362 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में इस झील को बनाया था। वर्तमान में सरकार ने इस जग मंदिर या नहीं झील में जो बने ना ये मेल, जग मंदिर जग निवास, इसको मतलब एक पंच सितारा होटल में बदल दिया, पंच सितारा 5 स्टार होटल में बदल दिया। होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है उसे, लेक सिटी पैलेस होटल, लेक पैलेस, लेक पैलेस होटल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेक पैलेस होटल, लेक पैलेस होटल बना दिया गया, ये इस नाम से जाना जाता है, मतलब जगनिवास और जगमंदिर। तो ये बात बताई हमने महाराणा लाखा की या लक्ष सिंह की, जिसका टाइम पीरियड 1322 से 1421 में। इसके समय मैंने बताया था कि इसके दरबार में जोटिंग भट्ट और धनेश्वर नामक संस्कृत विद्वान रहते थे। और इसके समय जावर की खान, जो चांदी की खान है, वो उदयपुर में खोजी गई थी, तो इससे इसके समय की आर्थिक उन्नति हुई। और इसके समय पर एक बंजारा था पिच्छू नामक बंजारा ने जो है यहाँ पर अपने बेल की स्मृति में एक 1662 ईस्वी में झील का निर्माण करवाया, उसका नाम था पिछोला झील। बाद में 1746 में महाराणा जगत सिंह के द्वारा वहां उस झील के बीचों बीच दो महल बनवा दिए गए, जग मंदिर और जग निवास महल। तो और ये बता दें कि जब खुर्रम या शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया था 1623 में, तब शाहजहां ने इस जगनिवास महल में शरण ली थी। और वर्तमान में ये जग मंदिर और जगनिवास महल को राजस्थान सरकार ने, जो टूरिस्ट विभाग ने, जो इसे एक लेक पैलेस होटल में बदल दिया, पंच सितारा होटल है ये, तो आप देख सकते हैं वहां पर। तो ठीक है, अब इसके बाद में आगे की घटना बता देते हैं। इस राणा लाखा का एक बेटा था कुंवर चूंडा, ये राणा लाखा का बेटा था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो एक बार क्या हुआ कि देखो ये जो राणा लाखा था, तो इसने मतलब इसके विवाह की चर्चा चल रही थी, इसके इसकी विवाह की चर्चा चल रही थी।
और राणा लाखा के पास में एक रहता था रणमल, रणमल जो जोधपुर का शासक का बेटा था, जोधपुर का था ये रणमल। तो राणा लाखा के बेटे की सगाई की बात चल रही थी, तो रणमल की एक बहन थी हंसा बाई, हंसा बाई, हंसा बाई। तो ये जो रणमल, जो ये रणमल था, तो रणमल ने मतलब कहा कि भाई मेरी बहन की शादी जो है कुंवर चूड़ा से कर दो। तो इस तरीके से मतलब क्या हुआ कि राणा लाखा उस जमाने में अफीम वगैरह खा करके मजाक मजाक करते हुए उन्होंने मतलब एक कोटेशन दिया, मतलब जब ये बात चली रही थी इसकी सगाई की कुंवर चूड़ा के साथ में, तो राणा लाखा ने कहा कि अब बूढ़ों के लिए नारियल कौन लाए, क्योंकि पहले जो नारियल ले जाने से सगाई तय होती थी, मतलब नारियल देने से सगाई तय हो जाती थी। तो राणा लाखा ने इसते वो कहा कि बूढ़ों के लिए नारियल कहाँ कौन लेके आएगा। तो इस तरीके से रणमल को ये बात अखर गई, क्योंकि राजपूत थे, उन्होंने कहा कि भाई नारियल तो आ जाएगा लेकिन जो है हंसा बाई का शादी भी हो जाएगी, लेकिन इससे होने वाला जो बेटा होगा वो मेवाड़ का शासक हो तो नारियल आ जाए, और राणा लाखा से वो जो विवाह करने को तैयार है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हंसा बाई का विवाह हुआ इस राणा लाखा से हो गया, और ये बेचारा ऐसे ही रह गया, तो तेल साबुन लगा बैठे रह गयो, काय रह गयो, काय करे बेचारो, फिर लवलिया लगा लुगु रह गयो, काई को शादी वादी न करे। इन्हें इसने क्या करी, बाद में इसने शादी करी नहीं, मतलब आजीवन मतलब ये बिना विवाह ही रहा, इसने मना कर दिया। इसलिए इसके पापा ने कहा कि बेटा मैं तेरे लिए और बढ़िया, इससे भी बढ़िया देख लूंगा, तो उसने कहा कि नहीं बाबू मुझे नहीं चाहिए। मतलब इसने आजीवन ही कसम खा ली कि वो हंसा बाई के जो बालक को अपना भाई मानेगा और उसकी रक्षा करेगा, और आजीवन प्रतिज्ञा ली। इस वजह से इस कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है इसे, या राजस्थान का या मेवाड़ का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह यहां लिख देता हूं मैं, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह बोलते हैं, या राजस्थान का राजस्थान का भीष्म पितामह या मेवाड़ का भीष्म पितामह बोलते हैं कुंवर चूड़ा को, इसकी आजीवन प्रतिज्ञा की वजह से, क्योंकि उसने जो शादी नहीं करी और अपने जो हंसा बाई से जो पैदा हुआ मोकल, तो उस महाराणा की घोषणा के अनुसार अगला जो वो होगा वो कुंवर चूड़ा शासक न बन करके मोकल ही बनेगा, और ये जो मोकल की इसने रक्षा करी और इसके दायित्वों को पूरा किया, और अपनी इस आजीवन प्रतिज्ञा की वजह से कुंवर चूड़ा को जो है हम राजस्थान का भीष्म पितामह और मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, ज्यादा लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, और प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को नहीं किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो जो भी अपलोड हो तो आपके मोबाइल में आपको पता चल जाए, और जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं वो सब अवश्य देखें सोते समय ताकि मतलब अपना रिविजन हो जाए, और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी वीडियो बना करके इस सिलेबस पूरा कम कराने की, और आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल बना दूंगा। तो प्लीज अब मुझे इजाजत दीजिए अगले वीडियो तक, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और प्रणाम।